Very warm welcome to all of you in another live session of Systematic Study Academy. And हम आज continue कर रहे हैं हमारा session number 2 of Business Studies Live Batch, जिसमें हम preparation कर रहे हैं हमारी Board 2025 की, जिसमें हमारा revision batch चल रहा है, जो हम detail में बिल्कुल पढ़ने वाले हैं. पिछले session में हमने पढ़ा था हमारा सबसे पहले business environment chapter, जिसमें हमने पूरा overview लिया था and detail में भी पढ़ा था कि business environment क्या होता है and इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं, किस तरीके से आपके पेपर में पूछा जा सकता है, क्या क्या केस स्टडीज बनती हैं, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमने पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था इकोनॉमिक, टेक्निकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, ये सारे हमने एनवायरनमेंट पढ़े थे जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं और ज्यादातर ये केस स्टडीज में पूछे जाते हैं, हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ था. आज हमें कंटिन्यू करना है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज का. और अगर आप आईएससी से कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अगर, तो आपके ये चैप्टर किस नाम से होगा, कैपिटल फिक्स्ड और वर्किंग के नाम से आपकी बुक में दिया गया होगा. या फिर अगर आप एनसीईआरटी वगैरह सीबीएसई बोर्ड से होगे या स्टेट बोर्ड से, तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से चैप्टर भी मिल सकता है. तो बिना किसी देरी के हम करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर समझने से पहले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है. फाइनेंस का मतलब होता है कि जब भी हमारे बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है और वो पैसे की भरपाई हम जहां से करते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पैसे को अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं. जब भी हमें पैसे की जरूरत है, हम पैसे को वो कहां कहां से अरेंज कर रहे हैं पैसे को, अरेंजमेंट ऑफ फंड इज नोन एज फाइनेंस. समझ आया इतना? जैसे मान लो आपको कोई बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए आपके आपका जो बिजनेस है उसमें कैपिटल की जरूरत है. अब आपके पास उतनी कैपिटल है नहीं, तो आप क्या करोगे, कहीं बाहर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह से क्या करोगे, उस फाइनेंस को अरेंज करोगे एज अ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, आप क्या करोगे उसको अरेंज करोगे. तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं. ठीक है, तो फाइनेंस जब क्या होता है, फाइनेंस वो होता है जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम कहीं बाहर इंस्टीट्यूशन से, बैंक से या फिर किसी रिलेटिव से पैसे को बोरो करते हैं या फिर अरेंज करते हैं, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं. आई होप इतना आपको समझ में आ गया है. बिजनेस फाइनेंस की अगर हम एक बार डेफिनेशन रीड करें, अगर हम इसकी डेफिनेशन रीड करें तो क्या है, इट इज फंड यूज्ड और रिक्वायर्ड इन बिजनेस फर्म. ये क्या होता है, एक फंड होता है जो कहां रिक्वायर्ड होता है, किसमें, एक बिजनेस फर्म में, कोई भी जब आप बिजनेस करते हो. इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फंड. हर तरीके के बिजनेस में ये यूज होता है और हर टाइप का जो भी बॉन्ड, डिवेंचर्स, आपके कितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सारे हम टाइप्स ऑफ फंड को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस हमारा बोलते हैं. आई होप इतना क्लियर हो गया है फाइनेंस क्या होता है. अरेंजमेंट ऑफ मनी फॉर द विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और फॉर द बिजनेस इज नोन एज फाइनेंस. ठीक है, अब है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का भी नाम आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और आपको पता भी होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग, देखो मैनेजमेंट अगर हम समझे तो मैनेजमेंट को हम बोलते हैं कि किसी भी चीज को मैनेज करने को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं. किसी भी चीज को मैनेज करने को हम मैनेजमेंट बोलते हैं. मैनेज करना क्या होता है, देखो मैनेज करना होता है कि जब भी हमारे पास पावर आती है तो हम क्या करते हैं, पावर सबसे पहले अगर हम डिसाइड करना है हमें किसी भी चीज को, किसी भी चीज को परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हम उस चीज को क्या करते हैं, प्लान करते हैं. प्लान करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लान करने के बाद जो हमने सोचा है उसको हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे. ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के बाद हो सकता है कि आपने जो प्लान सोचा था उसमें और इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हो या फिर और लोग भी इन्वॉल्व हो. अगर वो लोग आपके साथ इन्वॉल्व है तो आप उनको क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे, मतलब सलाह दोगे उनको कि ये काम इस तरीके से होना है, ये काम इस तरीके से हो रहा है. और जब चार लोग काम में इन्वॉल्व रहते हैं तो कुछ गलतियां भी होती है, तो जो गलतियां हो रही है उनको ठीक करने की आप जब कोशिश करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, कंट्रोल बोलते हो. तो ये सब काम अगर आप फॉर्मल इनफॉर्मल वे में जैसे भी करते हो, ये एक्टिविटी जरूर आप परफॉर्म करते हो. तो किसी भी चीज को मैनेज करना क्या होता है, प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको डायरेक्ट करना और फिर उसको कंट्रोल करना, इन सारी चीजें, ये जितने भी स्टेप्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं आपके किसमें, मैनेजमेंट में. ये चीज आपके इन्वॉल्व होते हैं. बस आपको फाइनेंस कहां से लेके आना है, उसकी प्लानिंग करना. तो जब आपके पास फाइनेंस का अरेंजमेंट हो जाता है तो उसको क्या करना, जैसा जैसा आपने सोचा था कि इसको इधर लगाना है, उधर लगाना है, इधर यूज करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज करना. फिर उसके बाद जब आपका
आपके पास फंड आ गया, आपने अलग अलग उसको डिवाइड कर दिया, फिर आप डायरेक्ट करो, मतलब जो भी बंदों को आपको पैसा देना है आप उसको पैसा दोगे, और फिर अगर आपको कम पड़ता है पैसे का तो फिर आप क्या करोगे, उसको अच्छे से अरेंज करने कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि कमी कहाँ पड़ रही है, जो भी जहाँ कमी पड़ रही है उसको फिर आप क्या करोगे ठीक करने की कोशिश इधर करोगे। तो ये पूरा किसमें होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में और समझ लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, पैसा कहाँ से आना है और उस पैसे को किस तरीके से हमें यूज करना है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। हमारे बिजनेस को पैसे की जरूरत है, हम उसको कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर से पैसे को अरेंज कर रहे हैं, हम कुछ पैसा एज अ लोन ले रहे हैं या फिर कुछ पैसा हम शेयर्स के तौर पे दे रहे हैं किसी को, मतलब शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं उसके बदले में हम क्या ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है आपका फाइनेंस किस तरह है ना। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अरेंजमेंट कैसे करना है पैसे का, जब आपके पास पैसा आ गया तो वो जो पैसा आपके पास आया उसको किस तरीके से आपको खर्च करना है, किस फॉर्म में आपको खर्च करना है, कब कब आपको खर्च करना है, कितने कितने अमाउंट का आपको खर्च करना है, इस सारी चीज को हम क्या बोलते हैं, इस सारी चीज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसा कहाँ से लाना है और उसको किस तरीके से खर्च करना है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। इतना समझ आ गया। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सबसे पहली चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पता होना बहुत जरूरी है, उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम फीचर्स भी बोलते हैं। एक बार इसको रीड भी कर लेना आप लोग वीडियो को पॉज करके, या फिर लाइव पढ़ रहे हो तो पहले उसको पॉज कर लेना अच्छे से रीड कर लेना, फिर उसके बाद आप आगे लाइव को ज्वाइन कर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल यूज इन बिजनेस, जितने भी टाइप की कैपिटल है, हर टाइप की कैपिटल क्या होती है, बिजनेस फाइनेंस बिजनेस में यूज होती है। किसी भी टाइप की कैपिटल, सबसे पहले आपको अगर कैपिटल का मतलब पता हो, कैपिटल हम उसको बोलते हैं जो पैसा बिजनेस में हम लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। सिर्फ कैपिटल मनी के मॉनेटरी टर्म में या फिर मनी के फॉर्म में नहीं रहती है, वो कैपिटल आपकी लॉन्ग टर्म असेट भी हो सकती है, आपकी मशीनरी भी हो सकती है जो फैक्ट्री में आपकी मशीन काम कर रही है, या फिर नीड ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये जो आपकी कैपिटल है, आपकी जो फाइनेंस है, हर तरीके के बिजनेस में क्या होता है, फाइनेंस का यूज किया जाता है। मेन रीजन इसका क्या है कि फिर आपका चाहे टी स्टॉल आप लगा रहे हो, इससे लेके आप कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, कार का शोरूम, या फिर आप कपड़ों की फैक्ट्री, जो भी फैक्ट्री आप लगाना चाहते हो, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, हर तरीके के बिजनेस में आपकी क्या होती है कि फाइनेंस का जरूरत भी पड़ती है। तीसरा क्या है इसका, इट इज वाइट टर्म। वाइट टर्म क्यों है, क्योंकि ये एक बैकबोन होती है, बिना फाइनेंस के आप कोई भी बिजनेस को परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस को आप रन नहीं कर सकते बिना किसी फाइनेंस के। इतना समझ में आ गया। फिर आपका डिफर फ्रॉम वन टू अनदर, चाहे एक बिजनेस, दो बिजनेस, तीन बिजनेस, हर किसी का फाइनेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, हो सकता है किसी का सिमिलर है, और मान लो किसी का बिजनेस सेम है, लेकिन ये जरूरी है कि उसका फाइनेंस अलग हो, उसका फाइनेंस जितना है इसका बिजनेस, इसका फाइनेंस भी क्या होगा सेम होगा, क्योंकि हो सकता है किसी ने कुछ ज्यादा लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहा हो, लेकिन सेम डील आप सेम प्रोडक्ट में कर रहे हो, लेकिन अगर आप डील करने के साथ साथ किसी का लार्ज स्केल में क्या हो रहा है, काम चल रहा है, आपके पास फाइनेंस कम है, तो आप छोटे छोटे पोर्शन में काम कर रहे हो, भले ही आप सेम कमोडिटी में डील कर रहे हो, लेकिन जो स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है, दोनों का अलग अलग भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो आपका फाइनेंस क्या होगा, सेम होगा। फिर आपका लास्ट क्या है, डिटरमाइन स्केल ऑफ ऑपरेशन। डिटरमाइन स्केल ऑफ ऑपरेशन के अंदर मतलब क्या है, डिटरमाइन स्केल ऑफ ऑपरेशन के अंदर मतलब है कि जैसा आपका फाइनेंस होगा उस तरीके से आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन पता लगा सकते हैं हम, कि जिस बंदे का जो कैपिटल है, जिस बंदे की कैपिटल ज्यादा लगी होगी तो उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, जिस बंदे का फाइनेंस कम होगा उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन थोड़ा कम होगा। तो ये क्या थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, और जिनके अगर क्वेश्चन आ सकता है वो आपका फीचर भी पूछे जा सकते हैं किसके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम बिजनेस ही करते हैं प्रॉफिट के लिए, और अगर हमें हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी चीजें हम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, जितनी भी चीजें हम यूज कर सकते हैं वो हम करके रहेंगे, क्योंकि क्यों, क्योंकि जो मोटिव होता है हमारा प्रॉफिट का ही रहता है। और अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना बहुत ही क्या है, डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है पहले से। रीजन उसका क्या है कि हर चीज को आप पहले से प्लान करके चलोगे फिर उसको इंप्लीमेंट करोगे, तो जब भी हम चीजों को पहले से प्लान करके चलते हैं तो उसका हमें फायदा भी मिलता है। और अगर आप फाइनेंस को पहले से डिसाइड करके चलोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको फायदा मिलने ही वाला है।
फिर क्या आपका टू मीट लाइबिलिटीज ऑन टाइम, अगर आपके पास फाइनेंस इनफ फाइनेंस रहेगा, आपके पास इनफ कैपिटल रहेगी किस चीज के लिए, आपकी लाइबिलिटीज को टाइम पे पे ऑफ करने के लिए, है ना। तो इससे क्या होगा, आप अपनी जितनी भी आपके ऊपर कर्जा वगैरह है तो आप उसको टाइम पे क्या कर पाओगे, पे ऑफ भी कर पाओगे। फिर क्या है, क्रिएट गुडविल। और अगर आप अपनी लाइबिलिटीज को टाइम पे ऑफ कर दे तो मार्केट में आपकी क्या बनी रह जाएगी, अच्छी गुडविल बनी रह जाएगी, है ना। अगर मार्केट में बिजनेस में सर्वाइव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी लाइबिलिटीज को टाइम पे ऑफ करना ही पड़ेगा, जिससे आपके सप्लायर्स भी खुश रहेंगे क्योंकि उनको टाइम पे पेमेंट्स हो रहे हैं, और जो आपके क्रेडिटर्स हैं या फिर बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो आपने लोन लिया है, टाइम पे आप अपनी ईएमआई वगैरह दे दे रहोगे, तो इससे आपके जो क्रेडिटर्स सप्लायर्स वगैरह हैं वो आपसे खुश रहेंगे और आपकी गुडविल भी बरकरार रहेगी, है ना। और आप फिर क्या आपका टू ग्रोथ ऑफ बिजनेस, जब गुडविल बनी रहेगी तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो उससे आपके बिजनेस की ग्रोथ भी होती रहेगी। फिर आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, अगर आप पहले से हर चीज को प्लान करके चलते हो तो आप अपने फाइनेंस को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, यूटिलाइज बिल्कुल अच्छी तरीके से आप अपने फाइनेंस को कर सकते हो। तो इसलिए ये क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्योंकि आपके पास जब पैसा होता है ना तो आप उसको क्या करते हो, आपके पास आता है और आप उसको खर्च करते चले जाते हो, लेकिन आप अगर पहले से डिसाइडेड रहोगे अच्छे से तो आप अपने जो फाइनेंस है उसका अच्छी तरीके से क्या कर पाओगे, फुल यूटिलाइजेशन कर पाओगे। तो जल्दी से एक बार ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स भी आप एक बार अच्छे से रीड कर लो। देखो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा फाइनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म। जो हमारी अलग अलग तरह की फर्म होती है उसमें किस तरीके से हम फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं और कितना बड़ा स्केल ऑफ ऑपरेशन उनका रहता है, हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा सोल प्रोप्रेटरशिप, 11th में आप सबने पढ़ा होगा सोल प्रोप्रेटरशिप क्या होता है। जब हम कोई भी बिजनेस अकेले ओन्ड करते हैं, मतलब हमारी कैपिटल उस बिजनेस में खुद की लगी होती है और हम उस बिजनेस को मैनेज भी अकेले ही करते हैं, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हमारा सोल प्रोप्रेटरशिप बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत ही कम होता है क्योंकि हम अकेले बहुत बड़ा प्रोडक्ट, हम बहुत सारे प्रोडक्ट में या फिर लार्ज स्केल में डील नहीं कर सकते, तो एक छोटा सा जो एरिया होता है, ये समझ लो मोहल्ला जिसको हम बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं, या फिर हमारा एक सिटी बोल लो, ज्यादा से ज्यादा सोल प्रोप्रेटरशिप में आप क्या करते हो, सिटी को सिटी रहती है आपकी, तो जो आप मैनेज और ओन्ड खुद से कर सकते हो, तो उसके लिए स्मॉल कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और वो स्मॉल कैपिटल या तो आप खुद की लगा सकते हो या फिर आप लोन ले सकते हो कोई रिलेटिव से, बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। फिर दूसरा जो आपका फॉर्म होता है, दूसरा फॉर्म आपका क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरा जो फॉर्म आपका हो सकता है वो हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म का, ठीक है, जिसमें थोड़ा आपका लार्जर रहता है इन कंपैरिजन ऑफ सोल प्रोप्रेटरशिप में, ठीक है। आप अपने किसी भी पार्टनर फ्रेंड या फिर रिलेटिव के साथ मिलकर क्या करते हो, बिजनेस करते हो, रीजन उसका ये हो सकता है कि आपके पास इतनी इनफ कैपिटल नहीं रह सकते, और उसमें आपके फाइनेंस के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, या तो आप अपने पार्टनर्स अपना अपना पैसा लगा सकते हैं, या फिर आप क्या करते हो, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर पार्टनर्स के रिलेटिव से क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो। फिर आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी भी बोलते हैं, वो क्या होता है, कंपनी आप जब बनाते हो, जब आपको नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड लेवल पे आपको क्या करना पड़ता है, बिजनेस परफॉर्म करना पड़ता है, उस टाइम पे आप क्या बनाते हो, कंपनी बनाते हो। और कंपनी क्या होता है, जब कोई भी बिजनेस अपने आप को रजिस्टर करवा लेता है एज अ कंपनी एक्ट 2013 या फिर प्रीवियस कोई एक्ट में, तो उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम कंपनी मानते हैं, और कंपनी हम जब बनाते हैं, जब हमें एक लार्ज लेवल पर क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अगर हम सोर्सेज की बात करें, तो सोर्सेज क्या है, या तो ये डिबेंचर जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में डेट बोलते हैं, ये क्या होता है, एक टाइप का लोन होता है जो कंपनी क्या करते है, इशू करती है पब्लिक को, और उसके बदले में क्या मिलता है, पब्लिक से पैसा मिलता है, और फिर उसको कंपनी क्या करती है, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करती रहती है। और क्या है, शेयर इशू करते हैं, शेयर इशू से क्या होता है, हम इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं, पब्लिक इक्विटी शेयर होल्डर बन जाती है कंपनी की, एक टाइप का मालिक बन जाती है कंपनी की, और वहां से प्रॉफिट या डिविडेंड को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। और फिर लोन क्या है, लोन ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह से भी ले सकते हैं। इतना समझ में आया, तो ये तीन टाइप की फॉर्म थी, जो तीन टाइप के बिजनेस फॉर्म थे जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस को परफॉर्म करते हैं, और उनके क्या क्या किस तरीके से सोर्सेज होते हैं क्या पैसे को फाइनेंस को अरेंज करने के लिए। आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन, जो कि लास्ट टॉपिक है, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसी चैप्टर का
एक पार्ट टू भी आएगा जिसमें हम क्या करेंगे डिटेल में और भी जितनी टॉपिक्स बचे हुए उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है, जो ये फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, जो ये फाइनेंशियल डिसीजंस है ये लिए जाते हैं मैनेजर के द्वारा। ये डिसीजन कौन लेता है, मैनेजर लेता है। ये कौन कौन से डिसीजन, अब हम आगे बात करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन तीन टाइप के होते हैं, एक तो फाइनेंशियल डिसीजन खुद, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा हमारा डिविडेंड डिसीजन। अब इन सबको साइड में रख दो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे, सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपके पास फाइनेंस कितना है, कैपिटल कितनी है, पैसा कितना है, ठीक है। अगर आपने बिजनेस करने का डिसाइड किया तो फिर आप सोचोगे इस बिजनेस में इतनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, कुछ पैसा आपके पास रखा हुआ है, आप कहीं से और कर्ज लेके अरेंज करोगे, है ना, यही कर सकते हो। तो जब आप ये डिसाइड कर दो, इसी डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन बोलते हैं। इसमें आप क्या करते हो, या तो खुद का पैसा लगाओगे तो हम उसको इक्विटी बोल सकते हैं, या आप कहीं से कर्ज लेके काम करोगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डेट बोल सकते हैं। तो ये डिसीजन आपका क्या हुआ, फाइनेंशियल डिसीजन हुआ। तो एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है। अब फाइनेंशियल डिसीजन के बाद आप क्या करोगे, जब आपके पास पैसा हो गया तो फिर अब उस पैसे को आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। अब इन्वेस्ट करते टाइम पे आप क्या क्या चीजें देखते हो, इन्वेस्ट करने के टाइम पे आप सबसे पहले देखते हो कि हम अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमें कितना रिटर्न देने वाला है। अगर हम इस चीज में, इस प्रोडक्ट में, इस चीज में, इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कितना हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म में कैसे, मान लो आप कोई फैक्ट्री सेटअप करने वाले हो जिसमें आपको मशीन खरीदना पड़ेगी, और फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आपको एरिया भी चाहिए पड़ेगा, जमीन भी चाहिए पड़ेगी। तो आप लैंड एंड बिल्डिंग में कितना और मशीनरी में कितना सेटअप करना चाहते हो, कितना फाइनेंस इंक्लूड करना चाहते हो, आप कितना खर्च करना चाहते हो फाइनेंस लॉन्ग टर्म में, वो डिसाइड करोगे। उसके बाद फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो आपके बस क्या है, आपने दो डिसीजन लिए, लॉन्ग टर्म में कितना और आपका वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये टाइप के डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं, कि जो हमारे पास पैसा था उसको आपको किस तरीके से खर्च करना है कि जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल पाए, है ना। तो बस इसी, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई कि इसी टाइप के डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, इसी टाइप के डिसीजन को हम बोलते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें आप क्या करते हो कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लॉन्ग टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म असेट में किस तरीके से आप क्या कर पाओ, अपना खर्च कर पाओ, अपनी अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट कर पाओ, और दूसरा वर्किंग कैपिटल डिसीजन के कितना पैसा आप वर्किंग कैपिटल में डालना इधर चाहते हो। तो ये टाइप के डिसीजन को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा बोलते हैं। अब लास्ट होता है हमारा क्या, डिविडेंड डिसीजन। जब हमने इन्वेस्ट कर लिया और हमने प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट आपको डिविडेंड कब बांटते हो, जब कोई भी शेयर्स पे डिविडेंड बांटा जाता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप डिविडेंड को एज अ प्रॉफिट भी मान सकते हो। इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद आपको क्या मिला, प्रॉफिट मिला, और जब आपको प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करोगे। प्रॉफिट हुआ है आपको तो आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, डिस्ट्रीब्यूट आप जो डिसाइड करते हो कि किस तरीके से हमें हमारा जो प्रॉफिट हमें हुआ है उसको किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, या रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, जो पिछले साल का हमारा प्रॉफिट है उस पिछले साल के प्रॉफिट को हम अभी यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। तो ये सारे डिसीजन, जो आपका प्रॉफिट हुआ उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट आपको प्रॉफिट को करना है, उस डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, हमारा डिविडेंड डिसीजन हम बोलते हैं। अब ये जो आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग आपके डिसीजन दिए हुए हैं, ये अलग अलग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर हैं कुछ, जो अफेक्ट करते हैं आपके डिसीजन को। जैसे ये होता नहीं ना, आपने कोई प्लान बनाया है, ठीक है, आप कोई बीच में आपको टोक देता है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं आपका जिससे प्लान कैंसिल हो सकता है। तो ऐसे ये कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम फाइनेंशियल डिसीजन की बात करें तो सबसे पहला होता है कॉस्ट। मतलब आप जहां से फाइनेंस अरेंज कर रहे हो तो किसी का इंटरेस्ट 12% होगा, है ना, किसी का इंटरेस्ट 12% होगा या फिर 10% होगा। तो आप क्या करोगे, खर्चा किस में ज्यादा है, तो 12% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, वो खर्चा ज्यादा होगा, तो आप चूज कौन सा करोगे, 10% वाला चूज करोगे, है ना। तो इधर सीधा कहने का मतलब ये था कि आपका कॉस्ट भी डिपेंड करता है कि किस कहां से आपको अरेंज कर रहे हो, किस जगह का कॉस्ट कम है वहां आपको आप क्या करोगे, अपने जो डेट है आपका, आप डेट अरेंज कहां से करोगे, जहां से आपका लोन का खर्चा कम लग रहा होगा, ठीक है। फिर आपका रिस्क, रिस्क क्या है, रिस्क का मतलब है कि कहां से आपको पैसा अरेंज करने में रिस्क कम है, आप वहां से अरेंज करोगे, है ना। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट के वो कितनी जल्दी आपका कैश में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आपका कैश फ्लो पोजिशन, कितनी स्पीड से आपका क्या चल रहा है, कैश फ्लो हो रहा है आपके बिजनेस में, कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे इफेक्ट होता है, कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न उसका कितना, रेट ऑफ रिटर्न है कितने परसेंट पे आपको रिटर्न मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है उसका, आप ये सारी चीजों को देख के क्या करते हो, अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो।
फिर डिविडेंड डिसीजन आप कैसे लेते हो, अमाउंट ऑफ अर्निंग कितनी है, स्टेबिलिटी अर्निंग कितनी है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कितना है, कैश फ्लो पोजीशन कितना है, अमाउंट ऑफ अर्निंग मतलब कितनी आपको अर्निंग हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब क्या होता है कि आपकी अर्निंग की स्टेबिलिटी कितनी है। आज आप 1 लाख कमा रहे हो, फिर आपने 90,000 कमाए, फिर 1 लाख, 10,000, फिर 1,20,000, ये एक स्टेबल अर्निंग होती है कि आसपास आप इतना तो कमा ही रहे हो, कोई लॉस में ज्यादा नहीं जा रहे हो। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जब हमें प्रॉफिट होता है, जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। आप रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हो, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। कैश फ्लो पोजिशन, किस तरीके से कैश का फ्लो आपके बिजनेस में हो रहा है। तो इसी के साथ ये आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी आपको कमी लगी हो लेक्चर में, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, या फिर व्हाट्सएप पे आप हमें बता सकते हो कि ये चीज आपको सही नहीं लगी, या फिर ये चीज आपको चाहिए कि इस तरीके से आपको चीजें चाहिए। तो जो भी आपको फीडबैक देना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हो। और वीडियो पे अगर आप लास्ट तक बने हो तो एक चीज आप ध्यान रखना कि जो आपको ये नोट्स चाहिए ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप को आपको अगर ज्वाइन करना है तो ये जो नंबर नीचे रेड लाइन में आ रहा है आप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है व्हाट्सएप की, तो आप वहां से जाके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ये दोनों मैंने ऑप्शन बता दिया आपको किस तरीके से आप कर सकते हो। और आपके जो डाउट्स वगैरह होते हैं आप, मैंने पिछले सेशन में बताया था, अभी भी सुन लो, जो डाउट्स हैं आप वो लोग अच्छे से खुद से आप सॉल्व करवा सकते हो। 24/7 आपके लिए फैसिलिटी है कि आप अपने डाउट्स को कभी भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो सजेस्ट टू योर फ्रेंड अबाउट द चैनल। सो माइसेल्फ रत्नाकर एंड आई एम साइनिंग ऑफ टुडे सेशन, सो काइंडली स्टे ट्यून्ड, स्टडी वेल, बाय बाय। Wow.